कृषि। चलिए कुछ प्रश्नों और उनके उत्तरों को जानते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कृषि के महत्व को बताइए। इसका उत्तर है, कृषि देश की आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या कृषि पर आधारित है। अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल भी कृषि उत्पादों से ही प्राप्त किया जाता है। राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान है। कृषि उत्पादों का निर्यात कर विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जीविका कृषि से आपका क्या आशय है? इसका उत्तर है, यह अति प्राचीन काल से चली आ रही कृषि का तरीका है। इसमें परंपरागत तरीके से भूमि पर खेती की जाती है। खेती के औजार भी काफी पुराने होते हैं। इसमें फसल उत्पादन जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में कौन से मोटे अनाज उगाए जाते हैं? इसका उत्तर है, भारत में मुख्य रूप से निम्न मोटे अनाजों को उपजाया जाता है, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं? नाम के अनुरूप ही इसमें फसलों को व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए उगाया जाता है, जिसके कारण इस प्रकार की कृषि में अधिक पूंजी तथा आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किसान अपनी उपज से अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, चावल की खेती के लिए कौन सी मुख्य भौगोलिक दशाएं हैं? इसका उत्तर है, चावल उष्ण कटिबंधीय फसल है, अतः इसकी उपज के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता है। इसके लिए कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। इसकी फसल के लिए 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, भूदान ग्रामदान के बारे में आप क्या जानते हैं? महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे विनोबा भावे। जब वे आंध्र प्रदेश में एक जनसभा में बोल रहे थे, तब गरीब लोगों ने उनसे अपने पोषण के लिए सहायता मांगी। तभी बीच में श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 गरीब परिवारों को 80 एकड़ जमीन देने की पेशकश की, जिसे भूदान के नाम से जाना गया। इसके बाद कुछ जमींदार, जो कई गांव के मालिक थे, उन्होंने भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की। इसे ग्रामदान के नाम से जाना जाता है। बच्चों आशा करते हैं आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।